नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आए हैं, और जो साइबर सिक्योरिटी हमने पढ़ना शुरू किया था, उसमें मैं आपको आज जो उसके सेकंड कंसेप्ट हैं वो बताने जा रहा हूँ। कल हमने ये पढ़ लिया था, आज दोस्तों मैंने इसमें एक और नया एड ऑन कर दिया है, क्योंकि सिलेबस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पर आता है और एग्ज़ाम आपका उस पर आना है, तो इसलिए ये कंटेंट जो है शॉर्ट लिखा गया है, और शॉर्ट लिखने के बाद नीचे इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं यूज़ ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन और चैटबॉट्स क्या होते हैं इसके बारे में। वेब ब्राउज़र तो आपको सभी को पता होगा, गूगल क्रोम आप लोग चलाते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज आपको देता है, सफारी, जितने भी एप्पल के डिवाइसेज हैं उसमें चलाया जाता है, इनको वेब ब्राउज़र कहा जाता है। यूज़ टू एक्सेस व्यू वेबसाइट्स, कॉमन वेब ब्राउज़र्स ये इनके नाम हैं। HTML कोड टू डिस्प्ले वेब पेजेस, इस पेज को भी जो आप देख रहे हैं ये HTML कोड की मदद से ही आपको यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिख रहा है। सेकंड नंबर पे आ जाता है दोस्तों सर्च इंजन। सर्च इंजन्स क्या होते हैं? सर्च इंजन्स आर टूल्स दैट हेल्प यूजर्स फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब। व्हेन अ यूजर टाइप्स अ क्वेरी इनटू द सर्च इंजन, इट यूजेस एल्गोरिथम टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ रेलेवेंट वेबसाइट। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर टैब में लिखते हैं टेक्नोलॉजी विद विवेक, तो इससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दिखने लगती हैं। इसी तरीके से काम करता है कुछ फेमस सर्च इंजन जो हैं, आप देख रहे हैं गूगल, बिंग, डकडकगो। काम कैसे करता है? पहले इंडेक्सिंग होती है, सर्च इंजन्स क्रॉल द वेब एंड इंडेक्स पेजेस, मेक इट ईजियर टू रिट्रीव देम व्हेन नीडेड। जब तक ये क्रॉल नहीं होता है, इंडेक्स नहीं होता है, आपका वेबसाइट और वेब ब्लॉग यहाँ दिखता नहीं है। इसके बाद उसको रैंक किया जाता है, एल्गोरिथम डिटरमाइन विद पेज आर मोस्ट रिलेवेंट टू ए यूज़र क्वेरी बेस्ड ऑन कीवर्ड अथॉरिटी एंड अदर फैक्टर। तो दोस्तों इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक आपको लिख के दिखाता हूँ, और मैं ये जो लिख रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सी, हमारे वेबसाइट पर एक पेज है इससे रिलेटेड, वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये जो तीन चार पेजेस आ गए हैं स्टार्टिंग में, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और ये देखिए आपको ये हमारा ये जो छठवें नंबर पर दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे, और उस पर्टिकुलर पोस्ट को जो है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है जिसमें ये जो लिखा है ये रैंक कैसे करता है और इंडेक्स कैसे करता है। ये पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं जो काम कर रहे हैं, आपको लगभग टॉप 10 सर्च इंजन्स के नाम याद होने चाहिए, ज़्यादा अच्छी बात है एग्ज़ाम पेपर के लिए। चैटबॉट्स क्या होते हैं? AI बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जो स्टिम्युलेट्स कन्वर्सेशन विद यूज़र्स, दीज आर कॉमनली यूज ऑन वेबसाइट फॉर कस्टमर सर्विस एंड असिस्टेंस। आपने देखा होगा आजकल जो चैटिंग के लिए आ जाते हैं, मे आई हेल्प यू करके, उनके पास को सर्टेन क्वेश्चंस लगा दिए जाते हैं, वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्वेरी के थ्रू देते हैं, गाइड करते हैं यूज़र्स को प्रॉपरली, जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग। टाइप ऑफ चैट बॉट्स बनाए गए हैं, रूल बेस्ड चैट बॉट, AI बेस्ड चैट बॉट्स। एग्जाम्पल हैं दोस्तों कस्टमर सपोर्ट बॉट्स बनाए जाते हैं, और वर्चुअल असिस्टेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग एलेक्सा और सिरी का यूज़ करते हैं, गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हैं, ये भी चैट बॉट का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद टॉपिक बनता है कि वेबसाइट और पोर्टल क्या होता है, ये क्वेश्चन हमेशा बहुत बार पूछा जाता है। वेबसाइट कलेक्शन होती है वेब पेजेस का, जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, सर्विस को प्रोवाइड करती है, जबकि पोर्टल एक गेटवे है दैट ऑफर पर्सनलाइज्ड एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ऑफर ऑफन रिक्वायरिंग ए लॉगिन। दोस्तों ऐसे समझ लीजिए आप सीधा सीधा कि आप जिस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे होते हैं, आपको एक वेबसाइट पर आपके आईडी पासवर्ड बनाकर दिए जाते हैं, वो एक पोर्टल कहलाता है, और वेबसाइट होती है जिसको पब्लिकली एक्सेस किया जाता है पेजेस को, ये स्टैटिक डायनामिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन पोर्टल प्रोवाइड्स स्पेसिफिक पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन, यूज़ किया जाता है एंटरप्राइजेस में, गवर्नमेंट सर्विसेज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इसके बाद दोस्तों आता है ईमेल को बनाना, भेजना, फोल्डर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे काम किया जाता है, स्टेप ओपन करना ईमेल अकाउंट के लिए। दोस्तों जब भी आप प्रोवाइड करते हैं, आप प्रोवाइडर के पास जाते हैं और देखते हैं कि जीमेल, आउटलुक, याहू, जो भी आप बनाने वाले हैं, वहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना होता है, अपनी पर्सनल जानकारी को भरना होता है, एक स्ट्रांग पासवर्ड सेट करना होता है और कैप्चा भरना होता है। इस तरीके से आप अपने जो है जीमेल को बना सकते हैं। सेंड करने के लिए आपको लॉगिन करना होता है जीमेल में, कंपोज पर जाना होता है, जिसको भेज रहे हैं उसकी आईडी लिखनी होती है, विषय और बॉडी वहाँ पर लिखनी होती है, और सेंड बटन पर क्लिक कर देना होता है। रिसीव करने वाला दोस्तों इनबॉक्स में उसको रिसीव कर लेगा, एंड नोटिफिकेशन कैन बी सेट अप टू अलर्ट यू व्हेन यू न्यू
ईमेल्स अराइव और आपको नोटिफिकेशन में आपका न्यू ईमेल दिख जाता है। दोस्तों कॉन्टैक्ट और फोल्डर कैसे बनाए जाते हैं, मोस्ट ईमेल प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं कॉन्टैक्ट मैनेजर को स्टोर करने ईमेल एड्रेसेस को एंड अदर इन्फॉर्मेशन को, उसको आप बाद में एडिट ऐड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ग्रुप्स में। फोल्डर्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइज योर इनबॉक्स को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए। यू कैन क्रिएट फोल्डर और लेबल्स टू कैटेगराइज योर ईमेल। मान लीजिए दोस्तों आपके पास 10 प्रकार के मेल आते हैं तो आप उनको फोल्डर में कैटेगराइज कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर वो मेल उस फोल्डर में ऑटोमेटिकली चला जाएगा और आप वहाँ जाकर जो है आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे पर्टिकुलर टॉपिक्स, इसके बाद ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। पॉपुलर वेब ब्राउज़र इनमें से कौन सा है आपको यहाँ पर पकड़ना है, आंसर मैंने यहाँ लगा दिया है। मेन फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र क्या होता है, डिस्प्ले कराना वेब पेजेस को। कौन सा सर्च इंजन इनमें से नहीं है, तो फायरफॉक्स जो है सर्च इंजन नहीं है, फायरफॉक्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल सर्च इंजन है, बिंग आपका सर्च इंजन है, डग डग गो आपका सर्च इंजन है। विच सर्च इंजन इज़ नोन फॉर प्रायोरिटाइजिंग यूज़र प्राइवेसी, दोस्तों यूज़र की प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा अभी अगर कोई ध्यान देता है तो डग डग गो देता है, वो आपकी किसी भी प्रकार की हिस्ट्री को स्टोर नहीं करता है। चैट बॉट क्यों इस्तेमाल होते हैं, स्म्यूलेटिंग कन्वर्सेशन विद यूज़र्स के लिए। टाइप ऑफ चैट बॉट यूजेस प्री डिफाइंड पाथ जो होते हैं उनको रूल बेस्ड चैटबॉट कहा जाता है, जो प्री डिफाइंड पाथ को फॉलो करते हैं। AI का एग्जांपल अगर कोई चैटबॉट आता है तो आपको सिरी याद रख लेना होगा, सिरी कहलाता है। प्री इंस्टॉल्ड वेब ब्राउज़र विंडो डिवाइसेस में कौन सा आता है, आजकल आप जब भी लैपटॉप खरीदेंगे विंडोज़ का तो माइक्रोसॉफ्ट एज आपको जो है वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र फीचर, वेब ब्राउज़र दोस्तों सब कर लेता है लेकिन वायरस स्कैनिंग का काम नहीं करता है। व्हाट डज द एड्रेस बार इन अ ब्राउज़र्स डू, अलाउ यूजर्स टू टाइप URL, उसके आप एड्रेस बार में क्या कर सकते हैं, URL को टाइप कर सकते हैं। वेबसाइट और पोर्टल्स के कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, प्राइमरी पर्पस क्या होता है वेबसाइट का, पब्लिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। पोर्टल यूजुअली क्या देता है, पर्सनलाइज एक्सेस देता है सर्विसेज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टल, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लॉगिन सिस्टम जो है पोर्टल का अच्छा उदाहरण हो सकती है। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ पोर्टल, वेबसाइट आर पब्लिक एक्सेस, पोर्टल प्रोवाइड पर्सनलाइज एक्सेस। व्हाट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू ऑफर स्पेसिफिक सर्विसेज टू लॉग्ड इन यूजर्स, उनको पोर्टल कहा जाता है। पोर्टल आर कॉमनली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, एजुकेशन में ज़्यादातर देखा जाता है। ऑफ द नॉट फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ वेबसाइट, पर्सनलाइज डैशबोर्ड वेबसाइट पर नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट रिक्वायर्स यूजर्स टू लॉग इन फॉर पर्सनलाइज कॉन्टेंट, उसको भी पोर्टल कहा जाता है। ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो तो आपको बना दिए गए हैं ताकि रैंडमली अगर आपको कुछ आता है तो आपको जो है ध्यान रहे। अब हम ईमेल की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जीमेल दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल में जो आया है उससे रिलेट आपको करना है। विच प्रोटोकॉल, मेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहते हैं, SMTP, ये जब ईमेल को भेजा जा रहा होता है तब इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है क्रिएट करने को, और जब न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं एंटर योर ईमेल प्रोवाइडर वेबसाइट। दोस्तों इनबॉक्स क्या करता है, इनबॉक्स के अंदर क्या होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं मेल, स्टोर होते हैं, स्टोरिंग सेंट होते हैं, स्केड्यूल होते हैं, स्टोर होते हैं, जो भी मेल आते हैं रिसीव होते हैं वो स्टोर होते हैं इनबॉक्स के अंदर। टू फील्ड क्या करती है, टू फील्ड में हम सामने वाले का एड्रेस लिखते हैं। CC फील्ड क्या करती है, सेंड करती है कॉपी रेसिपेंट को जो कि सबको दिखती है। विच फोल्डर स्टोर ईमेल दैट आर रेडी टू बी सेंड लेटर, अगर आपको कुछ स्टोर करके रखना है बाद में मेल भेजना है तो वो कहाँ पर रहते हैं, उतनी देर के लिए ड्राफ्ट में रहते हैं। ईमेल यू सेंड आर स्टोर्ड इन द सेंड फोल्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर डिटेल ईमेल्स, थ्रैश में जो है दोस्तों चले जाते हैं, जो डिलीट किए जाते हैं, माफ़ कीजिएगा डिटेल नहीं डिलीट जिन्हें किया जाता है वो थ्रैश में चले जाते हैं। जीमेल में कौन सा फीचर अलाउ करता है यूज़र्स को कैटेगराइज करने के लिए ईमेल्स को, तो लेबल्स जो हैं ऐसा काम करते हैं। BCC क्या काम करता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपीज़ का फुल फॉर्म होता है, और BCC पर जो मेल भेजे जाते हैं वो जो है देखिए दूसरों को नहीं दिखते हैं। 32वां क्वेश्चन यही कह रहा है, पर्पस क्या है BCC का, हाइड कर देना रेसिपेंट्स को दूसरे लोगों से। कौन सा प्रोटोकॉल है दोस्तों जो रिसीव करता है मल्टीपल डिवाइसेस पे, IMAP इस प्रोटोकॉल को कहा जाता है। विच ईमेल फीचर अलाउ यूज़र टू स्केड्यूल मैसेज फॉर फ्यूचर डिलीवरी, इसको स्केड्यूलिंग कहा जाता है। दोस्तों इसी तरीके से आप ये क्वेश्चंस को जो है पढ़ सकते हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। 38वें नंबर का क्वेश्चन देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमेल्स मार्क्ड एज स्पैम,
कहाँ जाते हैं, किस फोल्डर में जाते हैं, स्पैम फोल्डर में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू अंडू सेंडिंग एन ईमेल। अंडू सेंड फीचर होता है दोस्तों ईमेल के अंदर, उससे आप इसको वापस कर सकते हैं। कौन सा ईमेल प्रोवाइडर ऑफर इंटीग्रेशन विद क्लाउड स्टोरेज, तो आपको जो गूगल ड्राइव का नाम पूछा है, गूगल ड्राइव स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है, आपको जीमेल प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसी तरीके से आप ये क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, मैंने आंसर लिख दिए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आप सभी को मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसी तरीके से हम वीडियो बाय वीडियो आपको ये टॉपिक कंसेप्ट समझाते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी को समझ आया होगा। अगर नहीं आया है समझ तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी कोई नया वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।